हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 16 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं उनमें हमने इस चैप्टर के कंसेप्ट समझे हैं और एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आज हम एक और क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बैंक लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। हमने क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो कैलकुलेट करना है और हमें जो है वो बैलेंस शीट गिवन है। अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में इसी तरह की जो बैलेंस शीट है जैसे आपको बुक में दी गई है और जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है, आपको इसी तरह की बैलेंस शीट ही जो है वो आपको आपके फाइनल पेपर में आएगी। तो आप अच्छे से समझें कि आप बैलेंस शीट में से कौन से आइटम को आपको कहाँ से लेना है और उसे किस एक्टिविटी में डालना है। सबसे पहले देखिए, हमें 2 ईयर्स गिवन है, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। इसमें से जो 19 है वो आपका ओपनिंग ईयर है और जो 2020 है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है और साथ में लिखा है सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस जब हम अपने थर्ड पॉइंट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है वो हमें जो है वो यहाँ पर दिया गया है। करंट लाइबिलिटीज में गिवन है ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के साथ उन्होंने नोट नंबर 1 जो है वो मेंशन किया हुआ है। नोट जो आपको दिए होते हैं बैलेंस शीट के नीचे, आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, उनमें आपको क्या क्या चीजें जो है वो दी गई हैं। यहाँ नोट नंबर 1 जो है वो दिया गया है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। अब देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 9 में जिसमें मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट मिल जाए, इट मींस आपको इसका एक सेपरेट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है अपने वर्किंग नोट्स में। अगर आपने अभी तक पार्ट 9 नहीं देखा है और आपको क्लियर नहीं है कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को किस तरह से एडजस्ट करना है, तो आप पार्ट 9 जो है वो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। पार्ट 9 में मैंने विद एग्जांपल जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के पॉइंट्स को जो है वो समझाया है, सो आप उसे जरूर चेक करें। उसके अलावा हमें एसेट साइड पर जो है वो गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है और करंट एसेट गिवन है। और उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट भी मैंने आपको पार्ट 10 में जो है वो समझाया है और इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। इंटरिम डिविडेंड भी जो है वो मैंने पार्ट 10 में समझाया है, आप वहां से इसे जो है वो जरूर चेक करें इन दोनों डिविडेंड्स के पॉइंट को। चलिए अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपको अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है, आपको तीनों टाइप्स में से कौन सी टाइप जो है वो यूज करनी है। याद कीजिए, पार्ट 5 में मैंने आपको समझाया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम टोटल 3 टाइप से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उन तीनों में से हमेशा कोई एक टाइप ही जो है वो हमेशा आपको यूज करनी है। मैंने आपको वहां पर बताया था पार्ट 5 में कि जब भी आपको आपका प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर दिया हो या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर सरप्लस या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से जो है वो अगर आपको बैलेंस गिवन हो, तो इट मींस आपको जो थर्ड टाइप
बताई गई है, आपने उसे यूज करके जो है वो अपना फर्स्ट पॉइंट दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ही दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम थर्ड टाइप जो है वो यूज करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, और इसे कैलकुलेट करने का तरीका है हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए आपको क्लोजिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग ईयर का जो आपको बैलेंस गिवन होगा वो आपको दिया गया है 2 लाख, तो आपने यहां पर लिख देना है क्लोजिंग बैलेंस में 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस होगा ओपनिंग ईयर का आपको दिया गया है 1,45,000। जब आप इसे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपको यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखनी है, ये आएगी यहाँ पर 55,000। अब याद कीजिए फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवाया था कि कुछ चीजें हम प्लस करते हैं और कुछ चीजें जो है वो हम माइनस करते हैं। इस फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें हम एडजस्ट करते हैं, देखिए आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट जो है वो मैंने आपको समझाया हुआ है पार्ट 10 में, हम इसे जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं तब हम जो है वो इसे ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड 10,000। अमाउंट जो होती है इंटरिम डिविडेंड की वो आपको हमेशा जो है वो कैलकुलेट करके दी गई होती है, तो मैंने यहाँ आउटर कॉलम में लिख लिया है इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद हम ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 इज 50,000 एंड 2020 इज 75,000। मैंने आपको समझाया था पार्ट 10 में कि प्रपोज्ड डिविडेंड का हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही चाहिए होता है, क्लोजिंग बैलेंस का कोई भी यूज जो है वो आपके क्वेश्चन में नहीं होता है, तो आपको सिर्फ जो है वो ओपनिंग बैलेंस ही चाहिए। ओपनिंग बैलेंस है हमारे ओपनिंग ईयर का, क्योंकि 2019 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है, तो हमें सिर्फ 50,000 चाहिए, तो हम 50,000 जो है वो यहाँ पर एड कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको नोट्स टू अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको मिल जाए आपके क्वेश्चन में आपको जो है वो इसका सेपरेट एक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम इसका जो है वो अकाउंट भी जो है वो प्रिपेयर कर लें। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मैं ऑलरेडी पार्ट 9 में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, अगर आपने अभी तक पार्ट 9 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि आपको जितने भी अकाउंट्स होंगे आपके वो आपको वर्किंग नोट्स में ही जो है वो प्रिपेयर करने हैं। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में जो है वो हम मेंशन करते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं आपको गिवन है 30,000, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया 30,000। उसके बाद हम मेंशन करते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको लिखना है क्लोजिंग ईयर में से, वो है आपका 50,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंट में सिर्फ दो चीजें ही और हैं जो आती हैं, वो थी उनमें से एक है टू बैंक पेड और एक होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। सिर्फ यही चार चीजें हैं जो इस अकाउंट में आती हैं। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आपके क्वेश्चन में पेड या मेड में से कोई भी आइटम गिवन ना हो तो आपको अकाउंट जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं आपको आपके क्वेश्चन में
पेड और मेड के बारे में जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आपको अब इसे कैसे कंप्लीट करना है, मैंने आपको बताया था कि जो फिर आपका ओपनिंग बैलेंस है आप उसे जो है वो शिफ्ट कर दीजिए टू बैंक पेड में, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है आप उसे शिफ्ट कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड में। बैलेंसेस को जो है वो आपको उल्टी साइड पर जो है वो लिख लेना है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था 30,000, हम इसे शो कर देंगे इधर टू बैंक पेड में, और जो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 बाय उसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ बाय पी एंड एल मेड में, और ये आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप दोनों साइड्स को बैलेंस करें तो दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस हो गई हैं, और ये दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस हो गई हैं 80,000 और 80,000। हमने क्या किया, जितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 30,000 वो सारा हमने इस साल आकर पे कर दिया, और जितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा था ठीक है उसको हमने उसकी हमने नई प्रोविजन जो है वो इस साल के लिए करंट ईयर की जो हमने प्रोविजन बनानी थी उतनी ही अमाउंट से जो है वो हमने यहाँ प्रोविजन क्रिएट कर दी है, और ये आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। सो पार्ट 9 में मैंने ये सारे अकाउंट को अच्छे से समझाया है, ये शुरू बाय वाली साइड से हमने क्यों किया है, हमने अमाउंट्स जो है वो यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें पेड या मेड में से कोई चीज गिवन हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप पार्ट 9 को जरूर चेक करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो मेड वाला होता है, ठीक है, जो इस साल की प्रोविजन होती है। मेड हमारे पास कितना आया है 50,000, ये 50,000 जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं बची है जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन थी, प्रोविजन को भी जो है वो हमने एडजस्ट कर लिया है, प्रपोज डिविडेंड को भी एडजस्ट कर लिया है, और इंटरिम डिविडेंड को भी हमने जो है वो एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से हमने प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया है, करंट लाइबिलिटीज जो है वो हमें वर्किंग कैपिटल में चाहिए होती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट था वो हमने यूज कर लिया है, जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चाहिए होते हैं, हमें यहाँ इनकी जरूरत नहीं है, करंट एसेट जो होते हैं वो हमें वर्किंग कैपिटल में चाहिए होते हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट में जितनी चीजें आती हैं जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं हमने उन सभी को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अब बस हम इन्हें जो है वो सबको प्लस कर देंगे और प्लस करके जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तब जो है वो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 1,65,000। ये हमने कैलकुलेट किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो हमने यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसकी अमाउंट क्योंकि हमने अकाउंट से कैलकुलेट की है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हमने इसे जो है वो नोट नंबर 1 जो है वो नेम दिया है। सो आपको इसी तरह से ही जो है वो वर्किंग नोट में अपने जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करने हैं। अकाउंट्स हमेशा अपने अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स के भी या जो वर्किंग नोट्स आप बनाते हैं उनके भी जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही जो है वो हमें सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। तो आप हमेशा ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं आप इन्हें ज़रूर ध्यान से समझें। सो चलिए लर्नर्स मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।